हेलो एवरीवन, इतना तो 5 साल 5.5 साल के धंधे में मैं समझ गया हूँ। एक कस्टमर अगर गाड़ी में काम कराने आ रहा है तो गलती, जब भी कोई भी काम खराब हो तो सिर्फ कस्टमर गलत होता है, हम गलत कभी नहीं होते। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 5.5 साल में हम ये समझ गए कि गलती चाहे किसी की भी हो, गाड़ी में काम खराब हो तो गलती सिर्फ कस्टमर की होती है, हमारी कभी नहीं होती है। ये जो थ्योरी है, मैं इस थ्योरी को ज़रा सा भी नहीं मानता, क्योंकि ये जो भी लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगेन दिस इज द थर्ड टाइम जिसका ये अगेन फर्स्ट एपिसोड है, क्योंकि उसमें और काम करने में समय लगेगा। तो मैं चाहता था कि मतलब इसको सबसे पहले लाइट में लाया जाए, मतलब सबको दिखाया जाए। मैं कस्टमर का नुकसान है बट से लिए काम कराना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। सर, ये टोयोटा की करोला अल्टीस है और इसमें कस्टमर ने कंप्लेन है कि एसी का कूलिंग कम है, दिन के टाइम में अभी कूलिंग नहीं करता है, कूलिंग करता है और बहुत कम कूलिंग करता है। तो मैंने जब पूछा उनको एसी कंप्रेसर, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कंप्रेसर चेंज कराया है एसी का, लेकिन उन्होंने सिर्फ कंप्रेसर चेंज कराया है। लेकिन कंप्रेसर जब ख़राब होता है उसके डस्ट पार्टिकल जो है पूरे लाइन में चोक हो जाते हैं। तो या तो कोई ज़्यादा अगर चोक होते हैं तो साथ में कंप्रेसर के साथ कंडेंसर, अरे पाइपलाइन, एक्सपेंशन वॉल, कूलिंग कॉइल सब चेंज होता है। इन्होंने सिर्फ कंप्रेसर चेंज कर दिया तो डस्ट पार्टिकल थे वो वापस जाके कंप्रेसर में एक्यूमलेट होके कंप्रेसर को फिर से ख़राब कर दिया। तो सर, जब भी कंप्लेन होता है कहीं डायग्नोस कराते हैं, एक एस्टीमेट दे देते हैं, जैसे मैंने बोला कंप्रेसर ख़राब है सर, बदलना पड़ेगा। अब कस्टमर क्या करते हैं कि रेट टैली करने के लिए आजकल जस्ट डायल सबके नंबर अवेलेबल हैं, सबको फोन करके पूछते हैं कि करोला अल्टीस है, कंप्रेसर ख़राब है, कितना कॉस्टिंग आएगा। तो हर कोई पूरा बताते नहीं है, गाड़ी हमारे पास आया सोच के कंप्रेसर का रेट बता देते हैं, सिर्फ कंप्रेसर चेंज कर देते हैं, जबकि साथ में इसके सारे कंपोनेंट चेंज होते हैं। तो वो गाइड नहीं करते हैं, मिस गाइड करके कस्टमर को सिर्फ बदल दिए। अभी कस्टमर का जो कंप्रेसर का 30,000-35,000 जो भी चार्ज होगा वो भी गया, अब नया लगाएंगे वो भी कॉस्टिंग, उन्हीं को बियर करना पड़ेगा। तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि कस्टमर को इन सब टेक्निकल टर्म्स के बारे में नॉलेज रहे, बट एज अ गराज, एज अ वर्कशॉप, एज अ मैकेनिक, उनको जागरूक मैंने करना था कि आपसे कैसे कंप्रेसर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये करना चाहिए, ये तो सर पॉलिसी ही है, जब कंप्रेसर चेंज करें तो कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, कूलिंग कॉइल ये सब चेंज करने का पॉलिसी है। बट कॉस्टिंग बढ़ जाता है करके अगर कम हो तो अपन क्लीन करे कर सकते हैं, और कंडेंसर तो मस्ट चेंज करना ही चाहिए। मतलब आज कस्टमर कैन नेवर बी रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब कस्टमर गलत नहीं हो सकता, तो सही कौन, गलत कौन? मतलब इस केस, पर्टिकुलर केस के बारे में अगर जैसे मैं आपको बताऊं, मतलब एक कस्टमर की गाड़ी में, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गाड़ी ओनली, कस्टमर की गाड़ी में एसी काम नहीं कर रहा है, कूलिंग एफिशिएंसी उतनी बेटर नहीं है, मतलब द वे इट हैज़ टू बी। तो अब कोई भी आएगा मेरे पास, या फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कहीं पे भी गया, आपने बोल दिया सर आपका कंप्रेसर ख़राब है, चलो वेरी गुड। कस्टमर क्या पूछेगा, कितना पैसा लगेगा? आपने बोल दिया 30,000-40,000-20,000 बेस्ड ऑन गाड़ी टू गाड़ी जो भी है। अब सी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेव सम सॉर्ट ऑफ मनी। अब कस्टमर की गलती नहीं है दैट ही इज ट्राइंग टू सेव सम मनी, क्योंकि कहते हैं ना वो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम भी कहीं जाते हैं ना, वी ऑल्सो ट्राई टू सेव सम मनी, मैंने वेदर वी गो टू मॉल, वेदर वी गो टू लोकल मार्केट। कस्टमर चार जगह फ़ोन करके पूछता है भाई मेरी गाड़ी का कंप्रेसर कितने में मिलेगा, कस्टमर को बोला जाता है इतने में, इतने में, इतने में, इतने में। तो जो भी ए बी सी डी में जिसने भी सबसे कम रेट बताया, कस्टमर ने वहाँ पे काम करा लिया, तो इट्स परफेक्टली फाइन, बार्गेनिंग इज परफेक्टली फाइन। और काम, और जिन्होंने भी काम किया उन्होंने देखा होगा कि नहीं सेटअप वेटअप सब कुछ सही है, और गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उनके यहाँ काम हो रहा है, तो कस्टमर बोला ठीक है भैया, आई एम ओके टू गो विद इट, बंदे ने चेंज कर दिया। बट स्टिल वो उसने एक्स वाई जेड पैसा लिया, कस्टमर की गाड़ी में फिर कूलिंग एफिशिएंसी नहीं रही, वो चीज़ वापस ख़राब हो गई। अब इसमें कस्टमर गलत कहाँ पे है? देखो क्या है ना, डे सबसे पहले जिसने भी बोला कि भाई आपका कंप्रेसर ख़राब है, और जब कस्टमर ने इंक्वायर किए कि कस्टमर की भाई कंप्रेसर मेरे को लगाना है ऐसा है, तो क्या एक जन ने भी ये पेन लिया कि कस्टमर एजुकेट करने का कि सिर्फ कंप्रेसर चेंज करने से नहीं होगा, कि आपके उस कंप्रेसर के साथ और भी अलाइट कुछ पार्ट्स होते हैं जो इन सिंक रहते हैं, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी कूलिंग एफिशिएंसी नहीं रहेगी, इन कंप्रेसर वापस ख़राब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया, मेरे तो पार्टनर तरुण ने बताया अभी, कि आज अब जो कंप्रेसर ख़राब होता है तो अब उसके डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं, जो भी मैंने ग्रैनुअल्स एंड ऑल
वो जाके पाइपलाइन में चोक हो जाते हैं, कंडेंसर चोक हो जाता है, एक्सपेंशन वॉल्व चोक हो जाता है. तो जब कंप्रेसर चेंज हो रहा है तो एट द सेम टाइम आपको ये एजुकेट करना कस्टमर को ज़रूरी है कि चलिए कंप्रेसर कॉस्ट तो इतना है, बाकी हम और भी बाकी पाइपलाइंस वगैरह चेक करेंगे, कंडेंसर को चेक करेंगे और एक्सपेंशन वॉल्व को चेक करेंगे कि बैटरी सब सारे सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अल्टीमेट फिनिश फाइनल कूलिंग के लिए. बट किसी ने भी नहीं किया, चार जगह से रेट हो गया, सब कुछ हो गया, कंप्रेसर चेंज कर दिया, गाड़ी दे दी गई. अब वही कॉल हमारे पास आया. अब हमारे पास जब कॉल आया बट आर स्टेटमेंट वॉज डिफरेंट कि कंप्रेसर ख़राब है तो वी हैव टू चेक इट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल सिर्फ कंप्रेसर ख़राब होने से कूलिंग कम नहीं होती, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. कभी कभी कंप्रेसर ठीक रहता है, कुछ और ख़राब रहता है. तो जब चेक किया गया लेटर ऑन वीडियोज में, जब वो रिपेयर हो रहा होगा आपको दिखा मैंने देखने को मिलेगा, कंप्रेसर ख़राब, एट द सेम टाइम वो पूरा उसकी पाइपलाइन चोक होकर रखी है, कंडेंसर चोक होकर रखा हुआ है, एक्सपेंशन वॉल्व ख़राब होकर रखा हुआ है, तो कहाँ से कूलिंग आएगी? कस्टमर ने 30,000 रुपये दिए, बेचारे के बर्बाद हो गए. और जिसने भी था उसने तो अपना पार्ट भेज दिया, उसने तो अपना पर्टिकुलर कोई लेबर चार्ज भी ले लिया होगा. अगर वो उस समय एजुकेट करता कि सर 30 के बदले आपका 50 लगेगा, लेकिन ये पार्ट भी चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके 30,000 रुपये जो है कोई काम के नहीं है. मतलब जी दीज ये सब चीज़ें जो होती है ना, जैसे उस समय ZACV के बारे में बताया आपको कि इंश्योरेंस रिन्यूअल फेल हो गया था, एस्पायर के बारे में बताया था जिसमें बॉडी शॉप में जिसके यहाँ भी गए थे उन्होंने काम ठीक से नहीं किया. दीज थिंग्स डजंट मेक मी हैप्पी, कहते हैं ना वो स्माइलिंग वाला वीडियो बने. दीज ऑल आर ना कि कहते हैं वो एक हमारी इंडस्ट्री, एक हमारी कॉम, एक हमारे ट्रेड है उसमें, मतलब क्या ना आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सोशल सोशल कम्युनिटी ऑफ मैकेनिक्स और गराजेस, जहाँ पे हमें ये क्लैरिटी देनी बहुत ज़रूरी है कस्टमर को हर बार, एक बार दो बार हर बार, कि आपका सिर्फ एसी ख़राब कंप्रेसर ख़राब नहीं है, उसके अलाइड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं. जब कोई हमारे सर्विस कराने आता है क्या हम कभी बोलते हैं सिर्फ हम ऑयल चेंज कर देंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? करना पड़ता है, ऑयल फिल्टर चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है. तो एट द सेम वे आज हर चीज़ के अलाइड कंपोनेंट्स जो हैं उसको भी हमको चेक करना ज़रूरी है. तो कस्टमर इज नेवर रॉन्ग. कस्टमर खाली कंप्रेसर खरीदने गया था, लेकिन हमें बताना ज़रूरी था कि उसके साथ ये अलाइड आते हैं. आप कैमरा खरीद लो और लेंस ना लो और फिर आप फोटो शूट कर रहे हो तो कभी ऑन ही नहीं होगा, तब उसमें किसकी गलती है? क्या खरीदने वाले की? नहीं, मेरे हिसाब से तो उस कैमरामैन जो कैमरा बेचा उसकी गलती है कि सर इस कैमरे के साथ अभी लेंस नहीं लगाओगे तो आपकी कोई फोटो क्लिक नहीं होगी. सेम वे आई नो, मतलब कोई भी कोरिलेशन इन एग्जांपल्स के शायद आपस में कोरिलेट ना करे, बट ओनली थिंग आई वुड से कि दिस मैसेज इज नॉट फॉर द व्यूअर्स. बिकॉज देखो व्यूअर्स जो भी हैं अगर वो कार ओनर्स हैं उनकी कोई गलती नहीं है, बट एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीज़ हम दे रहे हैं अगर उसके साथ कुछ और अलाइड पार्ट्स हैं जो कि ख़राब होने की संभावनाएं होती है या चांसेस हैं कि मैक्सिमम चांसेस हैं मिनिमम, वी नीड टू चेक देम अप एंड देन वी नीड टू एजुकेट देम. सर कंप्रेसर तो हम करेंगे पर एट द सेम टाइम वो भी हम चेक करेंगे, क्या मालूम वहाँ पे भी खराबी हो. अब वो खराबी नहीं रही तो वेल एंड गुड, अगर हुई तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन बीइंग इम्पार्टेड टू अ कस्टमर, नथिंग एल्स. सो I'm really sorry for my being a bit arrogant on this part, but Nishant Joshi, as of now signing off, will come up with the second part when everything would have been done. I will try to take few bites of the customer also in the video that would continue from this point onwards for the same car. And as usual, I would request you, please subscribe to our channel, comment down in the comment section ki aap aur kya chahte ho main kaise videos banaun और इन वीडियोस में क्या मेरे से और बेहतरी मैं कर सकूं जिससे आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.